महिला बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर पंच सरपंच सम्मेलन व खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व पोषण माह का शुभारंभ यमुनानगर सिटी पैलेस में कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने किया। उन्होंने बताया कि यह पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ की जो मुहिम चलाई है उसी के परिणाम है यमुनानगर में लिंग अनुपात 948 हो गया है। सिटी डिपार्टमेंट द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत जिन लोगों ने पोषक अभियान भी है उसके साथ साथ जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने का भी ये कार्यक्रम है। और जैसा कि विदित है कि यमुनानगर की हमारी जो सेक्स रेशियो है वो जो जब ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया तो 800 से कम थी जो आज बढ़कर 948 पर खड़ी है और हम पूरे प्रदेश में नंबर दूसरे पर हैं। पहले हम नंबर 1 पर रहे थे लेकिन अभी नंबर 2 पर हैं। लेकिन अभी भी इन चीज़ों को स्थिर रखने की आवश्यकता है क्योंकि जब ये थोड़ा प्रयास कम होता है तो हमारी सेक्स रेशियो फिर से कम होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए WCD डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को समझाने का और जागृत करने का काम करता है कि हम अपने भविष्य की धरोहर जो है कन्याएं हैं जो है उनको गर्भ में ना मारें उनको जीवन में आने। हमारा कार्यक्रम जो है वो पोषण अभियान का है। जैसे कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। आज जो ये प्रोग्राम है ये जगाधरी ग्रामीण ब्लॉक के लिए में किया गया है। बाकी हमारे जो दूसरे विभाग भी हैं जो छछरौली है सडौरा है बिलासपुर है वहाँ भी इसी तरह के कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पर पोषण अभियान के किए जा रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं जैसे मैंने अभी अपनी स्पीच में भी बताया कि हरियाणा में खाने की कमी नहीं है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अपने खाने की आदतें सुधारिए कि आपको किस टाइम क्या खाना है। सवेरे आपको भूखे नहीं रहना, आपने रात में खाना खा लिया है रात को आप कम खाना खाइए कि आप सोते हैं। इस तरह की जागरूकता जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट और अपने विभाग द्वारा लोग जो खून की कमी है मुझे नहीं लगता कि उनकी डाइट की है उनकी जो फूड हैबिट्स है उनको बदलना बहुत जरूरी है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।